वैसे है तो हमारा नौकर लेकिन वफादार है। हैटी की बिटिया रानी मेला देखने के लिए गई है, तब तक के लिए मैं गश्त पर घूम कर आता हूँ, देखता हूँ कि किसी जगह पर कोई बलबा तो नहीं हो रहा है, तब तक बिटिया रानी शाम तक आ जाएगी। यहाँ राम राम बेटा, राम राम। और ठीक है बेटा? पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते पिताजी, मैं आपके पास कुछ जरूरी काम से आया हूँ। कौन जरूरी से काम है? वो जो विंध्या मंडल जी का मंदिर है ना, वहाँ का मेरा बहुत जोर और शोर चलता है। मेरी दिली इच्छा ये कि मैं भी वहाँ के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसी से बहुत खुश नजर आ रहे हो? बिल्कुल पिताजी। ठीक है, जाओ, लेकिन शाम तक मेला देख करके वापस आ जाना। और हिम्मत सिंह आप भी साथ में जाइए, इधर आओ इधर आओ, दोनों लोग जाइए और घूम करके आइए। तुम हमारे साथ चलोगे और वहाँ मेले में क्या लोगे? हम मचालू मटर खावे। अरे उसे भैया कचालू कहते हैं। कचालू मटर? हाँ टिकिया मटर कहते हैं। ठीक है ठीक है। अरे उसे भैया बालू शाही कहते हैं। ऐसा करो तो मैं इसी वक्त हमारे साथ चलो। दुल्हन? अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। वो गुड़िया की बात करते हो ना? ठीक है तुम मेरे साथ चलो और मैं वहां तुम्हें खेल के दूंगा। मेरे चाचा जी ने तो मेला जाने के लिए आज्ञा दे दिया है, अब मैं मेला देखने के लिए जरूर जाऊंगी। कहाँ गई हो? अरे भैया आज विंध्याचलमा का मेला लगा हुआ है और मैं मेला जाना चाहती हूँ। क्या तुम भी चलोगे? हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक से दो भले। चुप। एक से दो भले, अब हम दोनों लोग साथ में मेला देखने के लिए चलेंगे। एक से दो भले, दो से तीन भले। ये तीसरा कौन है? तीसरा हमारे साहेब बैठे हैं। ओ साहब जी चलेंगे? क्योंकि उनकी ड्यूटी भी वहाँ पर लगी है। ड्यूटी इनके लाग है। कुछ गाते बजाते चलते हैं ताकि हमारा रास्ता कट जाए और हम टाइम से मेला पहुँच जाए। हाँ क्यों नहीं। ए ओ मेला दिलो का आके चला जाता है। तेरा जय माँ भवानी की। ये बता कि मैंने तुझे शहर भेजा था क्या खबर लेकर आया है? पिताजी विंध्याचल का मेला लगा हुआ है। कहाँ का? विंध्याचल का मेला लगा हुआ है। पिताजी उस मेले में बहुत भीड़ लगा भी होगी और एक एक भर के हफीना भी आएंगे। क्यों नहीं, यानी विंध्याचल माँ का मेला लगा हुआ है। शेरा आज तक हम लोग बहुत से डाके डाले हैं, क्यों ना आज हम लोग मेले की ओर चलें? कोई हसीना कहर सिंह को भी भा जाए ना, आज हम किसी जवानी का रस अपने होठ से जरूर चखेंगे ही। कहर सिंह, कहर सिंह का कहना है मेले में ऐसा तंग मचा दो कि सारा मेला कहर सिंह के नाम से कांप गया। ऐसा है, यहाँ से मेला भी नजदीक बचा हुआ है और जंगल भी काफी बढ़ता है। जंगल तो बड़ा। ऐसा करो आज हम कुछ गाते और बजाते चलेंगे ताकि रास्ता भी कट जाएगा।
ए अराज समो मेरे सपनों का वो राजा मेरे दिल का वो राजकुमार मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी करती हूँ मुझसे प्यार ओ मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं ओ मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं ये तो है सबको पता